गुरुग्राम में अंबेडकर सभा की ओर से बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जहां सभी ने बाबा भीमराव अंबेडकर को और उनके बलिदान को याद किया। इस शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर झांकियां निकाली गई, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने किस तरह दलित समाज का उत्थान किया इस पर एक संदेश देने की कोशिश की गई और महिलाओं को किस तरह अधिकार दिए गए थे ये देश कभी भी भूल नहीं सकता। बाबा साहब की शोभा यात्रा बाबा साहब के जन्म के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है और यह पूरे शहर के अंदर बाबा साहब की शोभा यात्रा निकल गई है। युवाओं में, बुजुर्गों में, महिलाओं, बाबा साहब के जन्म के लिए बहुत जोश है और साल यह कार्यक्रम किया जाता है। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रखर राष्ट्रवादी थे और उनकी सकारात्मक सोच देश व समाज के उत्थान के प्रति समर्पित थी। उनका जीवन त्याग और कर्म प्रधान था। उनका व्यवहार, नेतृत्व शक्ति, कौशल और सबको साथ लेकर चलने की कला को सभी वर्गों के लोगों ने स्वीकार किया था। वो पूरे समाज का नेतृत्व करते थे। उन्होंने दलितों के ऊपर होने वाले अत्याचार और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए आवाज उठाई और देश में समतामूलन की नींव को रखने की कोशिश की थी और एक नारा दिया था कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित बनो। सहयोगी विजेंद्र कुमार के साथ टीम आपकी चौपाल न्यूज़ गुरुग्राम।